एक सेही के कांटे से कैसे आप अपने सभी शत्रुओं का, जितने भी आपके जीवन के दुश्मन हैं, जितने भी आपके जीवन में आपके शत्रु हैं, कैसे आप उनका विनाश कर सकते हैं एक सेही के कांटे के द्वारा, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको शत्रु विनाशक विधियों की जानकारी देता रहता हूं, उससे आप जैसे भी आपके जीवन के दुश्मन होते हैं तो उनका विनाश कर सकते हैं, और आप अपने घर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, वशीकरण की हिलन कैसे कर सकते हैं, बहुत सी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती हैं। तो आज यह जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं सेही के कांटे की, अगर आपको कहीं से ये सेही का कांटा मिल जाए, सेही एक जानवर होता है और उसके शरीर के ऊपर बहुत से कांटे होते हैं, और जब कोई दूसरा जानवर उसके ऊपर आक्रमण करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, तो जो सेही जानवर है उसके ऊपर पलटवार कर देता है, तो अपने शरीर से ये कांटे निकाल कर उसके शरीर में डाल देता है पूर्ण रूप से, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट तो मिलता ही है जिसके भी सेही जानवर का ये कांटा लग जाए। और इसका तंत्रिक विद्या में भी इसका प्रयोग किया जाता है दुश्मनों के, शत्रुओं के विनाश के लिए। जैसे माता बगलामुखी के बड़े बड़े हवन यज्ञ हम करते हैं, या माता मसानी मेलडी के हवन यज्ञ करते हैं, लुहा भोग प्रसाद देते हैं, माता शमशान काली शमशान भैरव के उपाय करते हैं शत्रु के विनाश के लिए, तो उन मंत्रों से जे सिद्ध होता है जे सेही का कांटा, वैसे ही जे सेही का कांटा उन मंत्रों की तरह ही ये कार्य करना शुरू कर देता है उन मंत्रों के द्वारा इसको सिद्ध करने के बाद। तो उनसे भी देखो, मंत्रों से भी शत्रुओं का विनाश होता है, और ये सेही का कांटा तो लाखों इंसानों का अजमाया हुआ ये टोटके के द्वारा काम करता है, मंत्रों के द्वारा काम करता है। तो इसकी ही मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं, इससे आप एक नहीं अनेक शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं एक सेही के कांटे से, उनका सर्वनाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। अगर आपका दुश्मन, आपका शत्रु आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, तब आप इस विधि का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे वेद ग्रंथों में लिखा है कि जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। अगर बार बार आपके ऊपर आपका दुश्मन, आपका शत्रु कोई बुरी शक्ति लगा रहा है, किसी तंत्र की विद्या का प्रयोग कर रहा है, तब आप इस सेही के कांटे का प्रयोग करने के बाद आप अपने सभी दुश्मनों का आप सर्वनाश कर सकते हैं। लेकिन इसकी सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, इस सेही के कांटे की सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए आपको पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा। जब जे सेही का कांटा जे सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी सिद्धि आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से आरंभ करें, बिल्कुल सरल विधि है, अपने घर के बने मंदिर में भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धता ही होती है घर के बने मंदिर में। तो ओम गा गणपति का ध्यान धरते हुए, धरती माता का ध्यान धरते हुए, कुल देव कुल देवी का ध्यान धरते हुए, किसी भी शत्रु विनाशक मंत्र से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वह माता बगलामुखी का मंत्र है, या शमशान काली का मंत्र है, या फिर शमशान भैरव का मंत्र है, माता मसानी मेलडी का मंत्र है, किसी मंत्र से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं इस सेही के कांटे को। और जो 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 वह मंत्र हैं
शत्रुओं के विनाश के लिए साधना और समाधान चैनल के ऊपर सभी मंत्र वह डाले हुए हैं, शत्रु विनाश जो वेदियां हैं उनकी वीडियो के साथ। तो आप उन मंत्रों का जाप करें, उच्चारण करने के बाद इससे ही के कांटे को सिद्ध कर सकते हैं। और यह जो सिद्धि है आपको 21 दिन में प्राप्ति होगी इससे ही के कांटे की। उसके बाद आप कैसे आप अपने सर्व शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं तो उसकी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। पहले इसकी सिद्धि की बात बता दूं मैं आपको कि कैसे ये कार्य करना शुरू कर देता है। आप एक क्या अनेक से ही के कांटे अपने सामने रखकर सिद्ध कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का सामने दीपक जला लें, सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है आपने 21 दिन रेगुलर। कोई भी स्त्री पुरुष इसको सिद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद एक साबुत नींबू, आपने दो डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च, एक चुटकी नमक की और एक कटार चक्कू आपने अपने पास रखना है इसको सिद्ध करने के लिए। उसके बाद आपने जो वह सेही का कांटा है और जो वह सारी सामग्री है उसके ऊपर से 7 बार एक बार बार लें क्लॉक वाइज, बार कर वहां पर आपने इसको रख देना है। और 21 दिन एक कांटा रखें उस दिए के पास जा अनेक, उसको 21 दिन वहां से नहीं उठाना, ना ही उस दिए को उठाना है। उसी दिए में आपने वह सरसों का तेल और बाती डालते रहना है। और किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं शत्रु बना, जैसे एक मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ काली भैरव का, कि काली रक्त को पी गई भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूटती करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरघट में वास। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत से मंत्र हैं शत्रु विनाश, किसी भी शत्रु विनाश का मंत्र से ये सिद्ध हो जाएगा सेही का कांटा। और जो वह नींबू है, दो डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च है और जो नमक आपने साथ में रखा है, चक्कू रखा है, उसके बाद आपने एक माला का रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए आपके हाथ में इस जाप को करने के लिए। तो एक माला का जाप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक बार मंत्र का जाप करना है। ऐसे ही काली रक्त को पी गई भैरव खाया मांस, चक्कू अपने हाथ में पकड़ लें कि काली रक्त को पी गई भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूट दी करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरघट में वास। इस मंत्र का जाप करने के बाद वह जो नींबू है उस नींबू में आपने उस चक्कू को गाड़ देना है अपने दुश्मनों का, शत्रुओं का ध्यान धरते हुए कि माता रानी जो भी हमारे जीवन के शत्रु हैं आप उनका विनाश करें। तो ऐसी कामना लेकर ही ये कांटे सिद्ध होते हैं। उसके बाद वह जो आपने नमक रख रखा है साथ में, एक चुटकी जहां पर उसको आपने वो कट लगाया है वहां पर आपने उस नमक को लगा देना है। जैसे जख्मों के ऊपर नमक लगाया जाता है ऐसे ये आपके शत्रुओं का विनाश करेगा। लेकिन ये जो विधि है किसी दिन के बाद आप इसका प्रयोग करना आरंभ करें, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें नमक लगाने के बाद फिर आपने वह जो नींबू और डंडी वाली जो सूखी लाल मिर्च है उसको उठा लेना है और उसको अग्नि में जला देना है। अग्नि में उसको जला देना है, अग्नि की भेटा दे देनी है, आहुति डाल देनी है। वहीं पर बैठकर भी अग्नि में जला सकते हैं उस दीपक के सामने, या कहीं उससे साइड के ऊपर भी आप उसको जला सकते हैं, उसको जो नींबू है और जो डंडी वाली दो मिर्ची है। और यह जो विधि है 21 दिन आपने इस नींबू को जलाते रहना है और 21 दिन ही आपने जो डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च है सारी ये जो सामग्री है जलाते रहना है 21 दिन ही दीपक रोशन करना है और एक एक माला का रेगुलर आपने जाप करते रहना है। तो 21 दिन में आपके जो सही के कांटे आपने सामने रखे हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद ये आप किसी को भी दे सकते हैं उसके दुश्मनों का विनाश करने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने शनिवार वाले दिन 21 दिन की फिर विधि है, कैसे विधि है आगे वो आप जानिए। अब जैसे आगे किसी भी शनिवार को जब आप इस सेही के कांटे को किसी व्यक्ति को देंगे कि जो आपके दुश्मन है उनका विनाश होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको बोलना है कि एक नींबू ले लें, नींबू लेने के बाद दो डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च ले लें और अपने दुश्मन का ध्यान धरें अपनी आंखों में बसाने के बाद। फिर आपने जो उस नींबू में कट लगाना है वह
उसके चक्कू से नहीं, कटार से नहीं, इस सेही के कांटे के द्वारा, जो वो सिद्ध हो चुका है, इस सेही के कांटे को उस नींबू में आपने ऐसे गाड़ना है। गाड़ने के बाद उसके बाद उसमें नींबू आपने जो वह नमक है नींबू में, नमक आपने डाल देना है। उसके बाद अपने दुश्मन का नाम लेकर उसको जला देना है। इससे आपके दुश्मन, आपके शत्रु के ऊपर जो भी वह आपने मंत्र का जाप किया है, उन शक्तियों का पहरा लगेगा और उसका विनाश होना आरंभ हो जाएगा। ये तीन शनिवार करते रहें, केवल शनिवार शनिवार वाले दिन करना, फिर रेगुलर नहीं करना। तीन शनिवार में आपके सभी दुश्मनों का पूर्ण रूप से विनाश होगा। एक नींबू के ऊपर केवल एक शत्रु का ही नाम हम ले सकते हैं, दो शत्रुओं का नहीं। अगर आपके पांच शत्रु हैं तो पांच पांच नींबू ले लें और दो दो साथ में मिर्चे ले लें, तो पांच बार ऐसे उसमें गाड़ने के बाद उनका नाम लें और उसके बाद उनको जला दें, तो पांच शत्रुओं का विनाश होगा। जितने भी आपके शत्रु हैं उतना ही आपने, उतने ही नींबू लेने हैं, उतनी ही मिर्ची लेनी है, तभी आपके दुश्मनों का विनाश होगा इस सेही के कांटे के द्वारा। तो ऐसे ये कार्य करता है, पहले 21 दिन में इसकी सिद्धि होती है, ये जो सेही का कांटा है 21 दिन में सिद्धि होगी और उसके बाद आप इस विधि के अनुसार अपने सर्व शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से सही का कांटा मिल जाए तो ऐसे ही आप खुद भी सिद्ध कर सकते हैं अपने दुश्मनों को पराजित करने के लिए। तो यह थी सही के कांटे की शत्रु विनाश की विधि, क्योंकि बहुत से साधकों ने कहा था कि गुरुजी अगर हमारे पास कोई सही का कांटा है खुद, तो हम कैसे अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, कैसे इसको प्रयोग में लेकर आए। तो ये था सही के कांटे का प्रयोग, और अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी आप ये सही के कांटे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, लाइक शेयर कर दें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए, आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।